नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हां मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए आप सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला के आधार पर आपकी सब्जेक्टिव क्लासेज आरंभ हो चुकी है। तो जी हां मित्रों, तो टुडे की क्लासेज रहने वाली आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आपके हिंदी की सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, यानी कि उसका जो सब्जेक्टिव वाइज हमारा टॉपिक है उसको हम रीड करेंगे, जिसमें आपके संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक वाइज एक एक करके आप सभी के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि आपको समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे मित्रों। तो टुडे की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। तो टुडे की श्रृंखला का आपका प्रथम प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन को आप रीड करेंगे बेहतर तरीके से, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। एक एक प्रश्न आपके सभी जो है यूपी ट्रिपल एससी आदि विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो यहां से हमारा संधि का लगभग 110 या 105 के करीब हमारे प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी संधि से लेकर। तो कहीं से भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहां से ही आपके सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जी हमें तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है संधि, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इनमें से कौन संधि का गुण नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, फिर उसके पश्चात एक एक ऑप्शन को आप बेहतर तरीके से रीड करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा प्रश्न गलत होते हैं, तो बेहतर तरीके से समझते हुए, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन को रीड करते हुए चलेंगे हम। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, गलत है ये, ठीक है। संधि में समास होता है, नहीं, क्योंकि संधि जो होती है दो वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास जो होता है आपका दो पदों के मेल से होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है, ये भी गलत है, ठीक है। संधि दो पदों का योग होता है, गलत है, क्योंकि ये संधि की डेफिनेशन नहीं है, ये समास की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई जो है संधि का गुण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संधि के तीन भेद होते हैं, जिसमें आपके स्वर संधि, ब्रैकेट यानी इसमें रिक्त स्थान है संधि, और रिक्त स्थान फिर संधि, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहां से आप समझ चुके हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में बना है, ठीक है। इसमें स्वर संधि होता है, ठीक है, व्यंजन संधि होता है, और आपके विसर्ग संधि होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, एक एक प्रश्न आपके विभिन्न एग्जाम्स में बने हुए मित्रों। तो जी हां, एक एक सिलेक्टेड प्रश्न है आपका। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। हमेशा विशेष का ध्यान रखें हां और ना वाले को, ठीक है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम गलत लगाते हैं, ठीक है, जिसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, अनुस्वार संधि है। एक एक प्रश्न आपके विभिन्न एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है, तो टुडे की क्लासेज और टुडे के प्रश्न जो हमारे लगभग 30 रहेंगे, ठीक है, वो सभी एग्जाम्स में आपके हिंदी सब्जेक्ट होगी, और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल आदि विभिन्न एग्जाम, सभी के लिए उतने ही कारगर होंगे। तो देखिए, जो संधि का प्रकार नहीं है, ठीक है, स्वर संधि प्रकार होता है, व्यंजन संधि प्रकार होता है, विसर्ग संधि ये प्रकार होता है, ये तीन प्रकार होते हैं, किसके संधि के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें स्वर संधि आती है, व्यंजन संधि आती है, और विसर्ग संधि आती है, ठीक है। अनुस्वार संधि जो है इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4 और 5, एक एक प्रश्न आपके लिए करेक्ट है और इंपोर्टेंट है मित्रों। जी हां, तो स्वर संधि की बात की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
स्वर संधि जो होती है आपकी पांच प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें से याद रखेंगे दीर्घ है, ठीक है, गुण है, क्योंकि कई बार आपके प्रश्न में बना है और पूछा है, ठीक है, वृद्धि है, सभी संधियां हैं ये याद रखेंगे, यण, ये सभी जो है स्वर के अंतर्गत आती हैं, यानी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और जो है आपकी अयादि। तो समझ आ गया, यानी संधियां, यानी हम कहें स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो पांच प्रकार की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइव, अच्छी तरीके से आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है, गायक का संधि विच्छेद है, ठीक है, ऑप्शन को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करते ही आपकी तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गे धन अक मिलकर के, क्योंकि ये अयादि संधि है, आय हो जाता है तो बन जाएगा आपका गायक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस, ठीक है, तो प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छी तरीके से रखेंगे, ठीक है, तो यहां से देखिए, चलिए क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें सही आंसर नहीं पता होता, लेकिन यदि हमने गलत ऑप्शन को हटा दिया तो हम सही तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो नीरस नहीं होगा, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। किंचित ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। तद्रुप ये भी आपका व्यंजन संधि का है, तो बचा क्या अन्वय, ठीक है, अन्वय आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपका, स्वर संधि का, ठीक है, याद रखेंगे, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आपका अनुधन अय, ठीक है, याद रखेंगे अनुधन अय, अनु में क्या है आपका, यदि अनु को देखेंगे तो उ है आपका और ये आ है, उ और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, उ और आ मिलकर के आपके बनाते हैं वा, ठीक है, तो आपका क्या बना, अन्वय बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है, ठीक है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का, स्वर संधि है तो याद रखेंगे, स्वर संधि के यदि फॉर्मूले की बात करें तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बता सकते हैं कि भाई स्वर संधि में मेल होता है, ठीक है, तो स्वर संधि का फॉर्मूला क्या होता है, स्वर प्लस के स्वर, तो यहां से समझ चुके हैं आप कि स्वर संधि में जो मेल होता है वो स्वरों का, ठीक है, किसका मेल होता है, स्वरों का, क्लियर है आपका, यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है, यहां पर आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, परमार्थ का संधि विच्छेद है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की सिलेक्टेड 2022 के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जा रही है, ठीक है, तो परम धन अर्थ, परम पर धन अर्थ, पर धन अर्थ और परमोधन अर्थ, ठीक है, तो याद रखेंगे परमार्थ का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो प्रश्न को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, ऑप्शन को भी रीड कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा परम धन अर्थ, ठीक है, परम धन अर्थ मिलकर के बनेगा आपका क्या, परमार्थ, ठीक है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हुआ, परम धन अर्थ, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, यानी ये जो संधि के प्रकार दिए हैं वो किस संधि के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। संधि को यदि प्रीवियस प्रश्न देख लिया और संधि को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो तुरंत आप जवाब दे सकते हैं कि भाई दीर्घ संधि, गुण संधि अभी मैंने आपको बताया ही था, वृद्धि, यण, अयादि आदि जो हैं आपके संधि के अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं, और ये प्रकार कितने हैं, पांच प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ध्यान से समझते हुए एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्या, रथी,
विद्या धन अर्थी, विद्य धन अर्थी और विद्या धन आर्थी। ठीक है, तो प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को भी रीड करेंगे, तो कोई भी गलती प्रश्न में नहीं करेंगे ना ही ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या धन अर्थी, यानी विद्या को ग्रहण करने वाला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, सावधान का संधि विच्छेद है। ठीक है, एक एक प्रश्न सिलेक्टेड है और लेटेस्ट प्रश्न जो एग्जाम में बने हुए हैं वह भी प्रश्न आप सभी के लिए। तो सावधान, सावधान धान है या सा धन वधान है, सा धन अवधान है या सा धन अवधान है। ठीक है, तो प्रश्न को और ऑप्शन को रीड करेंगे तो समझ चुके हैं सावधान। ठीक है, सावधान का सही संधि विच्छेद पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स धन अवधान जब मिलकर के सा में आ है। ठीक है, और आ ये आ है तो ये दोनों मिलकर के बना देंगे आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सावधान। ठीक है, याद रखेंगे एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मात्र राम का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, मात्र राम का, ऑप्शन रीड करेंगे, मात्र धन ऋणाम, मात्र धन ऋणाम, मात्र धन ऋणाम और मातर धन इणाम। ठीक है, ऑप्शन आपने रीड कर लिए तो तुरंत समझ चुके हैं कि भाई मात्र नाम का सही और शुद्ध संधि विच्छेद आपका ऑप्शन बी है, मात्र नाम। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्ना धन कर और रति प्लस आकर। तो प्रश्न को समझ लिया, ऑप्शन को भी समझ चुके हैं, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, रत्न धन आकर, रत्नतान नाम में आ है और आ और आ और आ मिलकर के, देखो यहां से आ निकलेगा क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन से आ निकलता है और यहां से आ हो जाएगा, तो आ धन आ मिलाकर के बना लेंगे आप तो आपका बन जाएगा रत्नाकर। ठीक है, याद रखेंगे एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, सरयूर्मी में संधि है, दीर्घ यण व्यंजन स्वर, संधि को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, सरयूर्मी, तो सरयूर्मी में क्या है आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि संधि विच्छेद की बात करेंगे सरयूर्मी का, ठीक है, यहां से यदि एक और प्रश्न बन सकता है भाई कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद क्या होगा सरयू, ठीक है, याद रखेंगे धन, सरयू धन उर्मी। ठीक है, सरयू धन उर्मी। अब यहां से देखिए यू में क्या है आपका ऊ है, क्या है यू में ऊ है और यहां ऊ में ये स्वयं हुए, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे दीर्घ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सरयूर्मी। ठीक है, समझ चुके हैं ना आप, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। अब आपको स्वर संधि पहचाननी है। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हुआ। ठीक है, सद गति, सत धन गति, सद गति हो जाएगा, दिक दर्शन, उज्ज्वल यानी उज्ज्वल। ठीक है, सभी का संधि विच्छेद भी बता चुका हूं मैं, तो यहां से आप समझ चुके हैं भाई कि किस ऑप्शन में आपका स्वर संधि है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। ठीक है, कामे क्या है आपका, कामे आ है और ये आ है, याद रखेंगे। अब देखिए दो स्वरों का मेल हो रहा है, मैंने स्वर संधि की डेफिनेशन बताई थी, दो स्वरों का या दो वर्णों का मेल होने से आपकी स्वर संधि बनती है। ठीक है, तब जाकर के पुस्तकालय बनाए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पुस्तकालय। ये सत गति व्यंजन है, इसमें भी उत्ज्वल ये भी व्यंजन संधि है, दिक दर्शन ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि आपकी पुस्तकालय में, तो मैंने आपको बताया था यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, यदि ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीख गए तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके लिए,
संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि, यानी पुष्पांजलि का जो सही संधि विच्छेद है वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको बताना है। पुष्प धन अंजलि, पुष्पा धन अंजलि, पुष्प धन अंजलि और पुष्प धन जली। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को रीड करना है और ऑप्शन को भी रीड करना है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए पुष्पा जली, तो पुष्प धन अंजलि। ठीक है, क्या होगा ये? और इसमें कौन सी संधि, यदि आपसे पूछा जाएगा पुष्पांजलि में, तो ये दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो पुष्प धन अंजलि इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। यानी पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? पुष्प धन अंजलि। अगला प्रश्न आपके लिए, विद्या धन आलय इज इक्वल टू विद्यालय शब्द में है, यानी विद्या धन आलय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये सभी स्वर संधियां, इसलिए वहां से ऑप्शन में स्वर संधि लगाकर आए। ठीक है, आप इसमें भ्रमित ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विद्या धन आलय, ध्यान में क्या है? आ आ और आ, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका दीर्घ। ठीक है, आ से मिलेगा, तो ये आप समझ चुके हैं कि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि आपकी? दीर्घ संधि है। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न आपके लिए, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, यानी धातुष्मा में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, दीर्घ या फिर यड़। ठीक है, चलिए तो मैं इसका पहले संधि विच्छेद आपको बता देता हूं। धातु धन, ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? धातुष्मा का, यानी आपसे पूछा जाता है तो धातु धन ऊष्मा, इसका क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। अब आप बता सकते हैं तू में क्या है आपका? ऊ है। ठीक है, और यहां पर क्या है? ऊ है। ये मिलकर के क्या बनाएंगे आपके? ऊ बना लेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा आपका धातुष्मा। तो यहां से आप समझ चुके हैं भाई कि धातुष्मा में कौन सी संधि है। बिल्कुल से राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण है, रामायण है, अतएव है और सज्जन है। प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे। ठीक है, और यहां से पूछा गया है स्वर संधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे, रामायण का संधि विच्छेद करेंगे, तो राम धन अयन होता है। क्या होता है? राम धन अयन होता है, यानी राम के मां में क्या है? आ है। ठीक है, और अयन में खुद स्वयं आ है। ठीक है, तो यहां से मिलकर के ये क्या बनाएंगे? आ और आ मिलकर के आपके बना देंगे आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? रामायण। तो यहां से पूछा गया था स्वर संधि, तो स्वर संधि आपके ऑप्शन बी में है, जबकि तपोगुण, अतएव और सज्जन में आपके स्वर संधि नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ लेंगे। ठीक है, यदि तपोगुण की बात करेंगे तो इसमें तपधन गुण होता है, यानी कि ये गुण होगी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीता प्लस अन्य, गीता, गीत प्लस जली, गीता प्लस अंजलि और गीत प्लस अंजलि। ठीक है, ऑप्शन को रीड किया, तो यहां से पूछा है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो गीत धन अंजलि। ठीक है, गीत धन अंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए गीतांजलि में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होगा कि भाई इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि इसमें। अगला प्रश्न आपके लिए, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है, तथापि, तथ धन अपि, तथा धन पी, तथा प्लस अपि और कोई नहीं। एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है मित्रों, तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, तथापि में संधि पूछी गई है। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो देखिए तथापि, तो यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन अपि, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और था में क्या है आपका? आ है, और अप
ये आ है और मिलकर के आ बना रहे हैं, तो क्या है, दो स्वरों का मेल है। किसका मेल है? स्वरों का। तो हम कह सकते हैं कि तथापि में कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि। यहां से एक और जो प्रश्न बन सकता है वो कौन सी संधि है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट आपका, लघुर्मि में कौन सी संधि है? लघुर्मि में कौन सी संधि है, ठीक है? ऑप्शन रीड कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से आप। ठीक है, चलिए, तो पहले इसका मैं संधि विच्छेद बना देता हूं जिससे कि आपको इसको बताने में और आसानी हो जाए, ठीक है? तो लघुर में संधि विच्छेद क्या होगा? लघु धन, ठीक है, याद रखेंगे, लघु धन उर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अब देखिए, घूमे क्या है आपका? उ है, और यहां प्लस उ है, और दोनों उ मिलकर के आपका उ ही बनाएंगे, और उ क्या है आपका? बड़ा है यानी दीर्घ है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ, ठीक है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? आपके स्वर के अंतर्गत आती है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर स्वर संधि, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? स्वर संधि। क्लियर, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई लघुर्मि में स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो मैंने आपको बताया था, विद्यार्थी का यदि संधि विच्छेद आपसे कहा आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है? विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक है। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला, ठीक है। विद्या धन अर्थी, ध्यान में क्या है आपका? आ है, आप समझ चुके हैं, और ये स्वयं आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बना रहे हैं, तो याद रखेंगे, तो क्या हुआ आपका? दीर्घ स्वर संधि, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल से करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, वधूर्मि का संधि विच्छेद है, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी और वधु धन उर्मी, एक एक प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। चलिए, आंसर क्या होगा इसका? तो वधूर्मि का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन बी, वधु धन उर्मी, ठीक है। और यहां से यदि एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि वधूर्मि में संधि है तो दीर्घ संधि है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर तरीके से समझ चुके हैं कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, भुज प्लस रा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा। तो करेक्ट आंसर, देखिए एक बार वीडियो को बीच में पॉज कर देंगे और फिर आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे बेहतर तरीके से सीखना होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भुर्जा का सही संधि विच्छेद होगा भू धन ऊर्जा, ठीक है, भू धन ऊर्जा आपका सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर है यहां पर? और यदि यहां से पूछा जाएगा भाई भुर्जा में कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन सी संधि है, ठीक है। प्रश्न आपके कई बार घुमा करके बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? यहां से पूछा गया नहीं है, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये क्या है आपका? व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्यों? क्योंकि विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलय, याद रखेंगे, ध्यान में क्या है आपका? आ है और ये आ, दो स्वरों का मेल से आपके स्वर संधि होती है, ठीक है। और यहां पर दिया गया है व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है। तो जगत अम्बा, जगदम्बा हो गया, संतोष संतोष, अहंकार, ये अहंकार हो गया, यानी इन तीनों में व्यंजन है, जबकि विद्यालय में आपके स्वर संधि है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके लिए, भूर्ध्व का संधि विच्छेद है, एक एक प्रश्न सिलेक्टेड है, ठीक है मित्रों, ऑप्शन को रीड कर लेंगे। चलिए, तो इसका सही संधि विच्छेद बताते हैं, ठीक है, यूपी SSSC में ही आया हुआ है 2016 में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही संधि विच्छेद भूर्ध्व का होगा आपका भू, ठीक है, याद रखेंगे, प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहां से ये इस पर स्टार लगा दिया गया है और सभी को मार्क दिया गया था, ठीक है, यूपी SSSC के माध्यम से, क्योंकि यहां पर एक भी ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि भूर्ध्व का सही संधि विच्छेद होगा आपका
भू धन उर्ध्व, ठीक है। आगे यदि आपके एग्जाम में आई तो अगला प्रश्न आपका सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन को रीड कर लेंगे एक एक प्रश्न को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। और यदि यहां से पूछा जाएगा भाई कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन को रीड कर देंगे तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य धन अन्य, आपका अन्यान्य का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और यहां से यदि पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखने से हमें पता लग रहा है कि भाई इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये था मित्रों टुडे के वीडियो के सबसे अहम और सिलेक्टेड यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल पैट एग्जाम 2022 के लिए। याद रखेंगे यदि आपके किसी भी एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट है, संधि है, तो ये सभी प्रश्न आप विभिन्न एग्जाम्स के लिए भी सिलेक्टेड है मित्रों, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का या लेटेस्ट हमारी जो भी क्लासेज होगी उसका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद।